कितना हो जा रहा है टोटल अमाउंट? तुम लोग का कितना हो रहा है? अगर आप छोटे शहर में रहोगे तो छोटी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट ऐड टू योर सीवी, राइट? दिस इज आल्सो अ ट्रेड ऑफ, राइट? One of the common questions probably everybody has, I'm sure तुम्हें भी होगा कि कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ने से अपने को नौकरी मिलेगी, right? At the end of the day, you want to be employable. ये भी एक question रहता है दिमाग में back home की what employers think about certain type of university, right? और उसके basis पे उनको priority दी जाती है. ऐसा कुछ है क्या? Question number one. हाँ, like मैंने थोड़ा ऐसा मतलब दो तीन seniors and वहाँ से बात करके ऐसा थोड़ा मतलब पता चला कि FH people are directly like job ready क्योंकि उनके subjects उनके करिकुलम में उसमें ही एप्लीकेशन बेस्ड लाइक प्रोजेक्ट्स होता है. हमारे पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लाइक इतना एप्लीकेशन बेस्ड नहीं था, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग वो सब था, बट एवरीथिंग इज वेरी थ्योरी. यस, पूरा थ्योरी. लाइक दे आर बेसिकली बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट फॉर रिसर्च पर्पस, राइट? बिकॉज आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन टीयू 50% ऑफ पीपल गो इनटू पीएचडी, परसुइंग देयर पीएचडी, करेक्ट? अदर 50% गो इनटू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक फ्राउनहोफर और समथिंग लाइक दैट. यू कैन गेट इनटू नॉर्मल लाइक जॉब्स एंड स्टफ आफ्टर कंप्लीटिंग योर टीयू एज वेल. वो स्टाइल ऑफ स्टडीज होता है जो इट्स वेरी रिसर्च बेस्ड, राइट? यस, तुम लोग थ्योरी उसका पूरा अच्छे से कर सकते हो, बट जब काम करना है लाइक जब यू हैव टू वर्क ऑन द असेंबली लाइन और इंटीग्रेट समथिंग, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है. और वो एक्सपोजर आप टीयू में पढ़ रहे तो नहीं मिलता है. यू नीड टू लर्न दैट स्किल ऑन योर ओन, राइट? बिकॉज मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटीज, एंड इवन पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी अप्लाइड साइंसेज के हैं यूनिवर्सिटीज, राइट? तो उनका कोर्स करिकुलम इज वेरी मच अलाइंड विद स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज जो इंडस्ट्री में चल रहा है, लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, राइट? तुमको कभी कभी लगता है कि यार होक्सल में जाके पढ़ना है? मेरा था लाइक यहाँ पे भी लाइक FH Dortmund ऐसा है, तो वहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम्स के कुछ लाइक, अभी मेरा डोमेन थोड़ा एम्बेडेड सिस्टम्स रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लगा कि एम्बेडेड में जाके ऐसा करना चाहिए, राइट? क्योंकि टीयू में लाइक मेरे उधर यहाँ पे इतना एम्बेडेड सिस्टम्स रिलेटेड लाइक सब्जेक्ट्स नहीं है, फिर ज्यादा जो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई एम्बेडेड सिस्टम में लाइक यू कैन लर्न अबाउट डिजाइनिंग स्टफ एंड इंटीग्रेटिंग सेंसर्स एंड अदर स्टफ, उतना आई एम नॉट गेटिंग हियर विद माय अदर फ्रेंड्स इन FH. देयर थोड़ा है मतलब कि हाँ दे नो कि क्या चल रहा है, लाइक इंटीग्रेट कैसे हो रहा है. अभी मुझे इंटर्नशिप के मेरे बेसिस जो बैचलर्स मैंने किया था वहाँ से ही मुझे मिला, बट अलग से मुझे यहाँ पे एज सच नहीं मिल रहा. अच्छा, तो खुद से ही फिर थोड़ा कर. बट लाइक जनरली देखा जाए ऐसे कि जॉब मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? एक एम्प्लॉयर को एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाबा तू किधर से पढ़ के आया है, स्किल से मैटर करता है. कभी कभी सम लाइक कंपनीज टीयू को थोड़ा प्रेफरेंस एक ज्यादा रहता है, बिकॉज दे नो कि हाँ मतलब टीयू में बंदा एक्सेप्ट हुआ है तो थोड़ा कुछ तो नया रहेगा, करेक्ट? बट अगेन लास्ट में दे चेक योर स्किल्स, क्योंकि इंटरव्यू राउंड्स भी लाइक 3-4 होते हैं, चेक एवरीथिंग कि तुम्हारा स्किल तुम लोग बोलने आ रहा है नहीं आ रहा है, तो तुम्हें जो काम तुम लोग देने वाले वो तुम कर पाओगे, लाइक आर यू एलिजिबल फॉर दैट वर्क, और तुम तोड़ फोड़ नहीं कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे इन जर्मनी सेफ्टी रिलेटेड काफ़ी लाइक कंसर्न बहुत होते हैं. लाइक हम लोग के कोर्सेज में भी एम्बेडेड सिस्टम में सेफ्टी रिलेटेड उस पर 1-2 टॉपिक्स थे, कुछ फेल मतलब सब कुछ जो भी डिजाइन कर रहे हो फेल प्रूफ बनाओ, तो समटाइम थोड़ा मैटर करता है टीयू FH का, राइट? बट लाइक आई थिंक फाइनेंशियली तुम लोग थोड़ा प्रॉफिटेबल साइड में हो, राइट? देखा जाए तो या हम लोग में ट्यूशन फीस एंड वो सब लाइक हार्डली फॉर पर सेमेस्टर इट्स अराउंड 300 यूरो पर सेमेस्टर. तुम्हारा 5,700. ओह वाओ, ओके. सो योर एंटायर कोर्स इज ऑफ 4 सेमेस्टर या 3? 3 सेमेस्टर. टिपिकली 4. हम लोग ने फास्ट ट्रैक लिया है, सो वी हैव 3 सेमेस्टर्स. अच्छा, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जैसे कि आप 1 साल का कोर्स भी कर सकते हो, 1.5 का भी कर सकते हो और 2 का भी कर सकते हो, राइट? बट ऑन एन एवरेज जो आपका फीस है 5,600 यूरो पर सेमेस्टर का, सो घुमा फिरा के ऑलमोस्ट 15-16 लाख रुपए. तुम लोग का कितना हो रहा है? 1.2 लाख फॉर योर एंटायर मास्टर्स. इंक्लूडिंग मास्टर थीसिस एंड हमारे तो उसमें डॉयचलैंड टिकट भी अभी वो सब डाल दिया. सो तो अभी मतलब ओवरऑल, बट अगेन दोनों को तो ब्लॉक्ड अकाउंट चाहिए ही था, राइट? ब्लॉक्ड अकाउंट का 10 लाख रुपए होगा शायद से, 10-10.5 लाख प्लस 2 लाख फॉर योर सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन और ये सब, तो 12 लाख में तुम लोग का काम हो जा रहा है. 10 लाख इज फॉर लाइक फर्स्ट ईयर. हाँ, और ईयर नंबर 2 का भी 10 लाख पकड़ के रखो, बट यूजुअली अभी सेविंग्स अच्छे से किया एंड लाइक अभी सबका लाइक मंथली एक्सपेंस भी अलग होता है. लाइक पर्सनली मेरा इट्स अराउंड 600, तो लाइक मेरा 300-350 जितना तो सेविंग्स में ही जाता है. मल्टीप्लाई इनटू 12 तो उतना सेविंग्स में जाता है. अराउंड
15 लाख में पूरा दो साल का मास्टर्स हो जाना चाहिए। ओके, तुम्हारा कितना लग जा रहा है टोटल दो साल का? लिविंग कॉस्ट तो सेम ही है बट हमारा ट्यूशन फीस के वजह से, बट अगेन इफ यू गेट अ स्कॉलरशिप, तो अभी मुझे स्कॉलरशिप मिला है फर्स्ट टू सेमेस्टर्स के लिए 50% का। अच्छा, टेक्निकली फिर मेरा वो 5 लाख वहाँ पे सेव होता है। बट फिर भी लाइक कितना हो जा रहा है टोटल अमाउंट? 30-35 तक जाता है। 30-35 लाख ट्यूशन फीस और 10-10 लिविंग का पकड़ा। और क्या आप दोनों ने पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही नहीं किया या? मैंने किया था पर मेरे को मेरा भी वही था कि सिर्फ ग्रेजुएशन होके एक साल का एक्सपीरियंस था, 3 इयर्स का डिग्री था। सो कमिंग फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो 3 इयर्स का डिग्री बहुत जगह पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसके वजह से भी आधे जगह पे एलिजिबल नहीं होते, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो CA का है वो दिखाया था। सो वो मतलब एजुकेशनल क्रेडिट्स मेरे ज्यादा दिखा के इसीलिए मेरे को आया था, बट सिर्फ BCOM के बेसिस पे देखा जाए तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट। तो फिर उधर गए क्यों नहीं? लेकिन फिर भी इतना पैसा बच जाता, ऐसा कुछ होता? मुझे वो कोर्स, मतलब कोर्स कंपैरिजन में मुझे ये बेटर लगा था, एंड मुझे फाइनेंस में ही घुसना था आगे करियर वाइज। सो इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज, मतलब ऐसे फोकस नहीं था कोई एक सब्जेक्ट, वैसे ओवरऑल सब सिखाते हैं वैसा ऊपर ऊपर से सब। राइट, इसके वजह से मैंने ये, बट दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, राइट? कि कोर्स के बेसिस पे तुम प्योरली डिसीजन ले रहे हो, राइट? पीपल टेक डिसीजन ऑन लॉट ऑफ मींस। एक तो होता है पैसा देख के भी डिसीजन लिया जाता है, एक होता है कोर्स देख के डिसीजन लिया गया। मैंने इस लैंग्वेज अभी डॉर्टमुंड इज लाइक सेकंड ईयर सिटी, सो उसमें वी हैव लाइक मेनी ऑफ द पीपल आर जर्मन स्पीकिंग एंड जॉब्स काफी कम रहते इंग्लिश स्पीकिंग में। बट इफ यू गो टू साउथ जर्मनी, यू हैव स्टुटगार्ट और फ्रैंकफर्ट और मे बी म्यूनिक, यू हैव इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स ओवर देयर, बट अगेन कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, सो मंथली एक्सपेंस इज अराउंड 1000 मे बी 1200। दिस इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, यू हैव टू डू, कंसीडर करना पड़ता है। राइट राइट राइट। आई वुड से कि व्हेन यू आर स्टडीिंग इट्स बेटर टू गो इन अ टू टायर सिटी बिकॉज़ खर्चा कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है, एंड देन फॉर लाइक व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब यू कैन गो टू बिग सिटीज, लाइक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू बोथ वेज। राइट, मेरा contradictions पे ये है कि I would rather than invest my time while studying to be able to do a job which is making sense on my CV, right? Because अगर आप छोटे शहर में रहोगे तो छोटी opportunity मिलेगी, and those kind of things you cannot add to your CV, right? This is also a trade-off, right? Cool. Last words. If to compare public or private university, एक तो चीज़ है कि cost का like factor बहुत ऊपर नीचे है, but again मेरे को जितना पता है business schools and वो सब like they're mostly focused in the private domain, मतलब private university ज्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं कंपेयर टू द पब्लिक वंस, बिकॉज पब्लिक में इफ यू लुकिंग फॉर फाइनेंस कोर्सेज यू हैव टू गिव GMAT एंड अदर स्टफ, एंड तो GMAT भी लाइक अभी उसमें भी मैथ्स एंड वो सब आते हैं, GRE से भी टफ होता है, लाइक फॉर इंजीनियरिंग पीपल GRE से भी काफी टफ होता है GMAT, तो यू हैव टू गिव GMAT प्लस इफ यू आर डूइंग लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड से CA और ACCA तो वो भी उनको टफ पड़ता है। जो फाइनेंस कॉमर्स के फील्ड से अभी जब भी एडमिशन का टाइम था तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज उतने है, मतलब कंपेयर टू इंजीनियरिंग के कोर्सेज फाइनेंस कॉमर्स रिलेटेड इतने भी नहीं थे, सो एट द एंड प्राइवेट के ऑप्शन मतलब एक्सप्लोर करना ही पड़ा था कि टू एक्सप्लोर मोर कि कौन सा और अच्छा यूनिवर्सिटी मिल सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द पब्लिक के कोर्सेज ऐसे जो फाइनेंस और इसके लिए कि वो मतलब ऐसे नाम के लिए देखे रखे हैं उनका, मतलब ऐसे अगर देखे कोर्स स्ट्रक्चर तो जाने की इच्छा ही नहीं होगी कि वो क्यों करे, मतलब ऐसा रिलेटेड ही नहीं है। अगर यही इंजीनियरिंग के देखो तो वो लोग को बहुत ऐसे वैरायटी एंड अलग अलग यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन मिलते हैं जो हमें नहीं मिलते पब्लिक में। सो कॉमर्स फाइनेंस वालों को बोलूंगी कि प्राइवेट में यू हैव बेटर ऑप्शंस। अच्छा, या ओके।